हेलो माय ऑल ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू मामा टियारा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं करोबी, और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ग्रूमिंग टिप्स समर सीज़न को ध्यान में रखते हुए। आज का ये वीडियो है, और समर सीज़न में हमें होती है बहुत सारे स्किन इश्यूज और बॉडी ऑडर और न जाने क्या क्या, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो है। मैंने ज़्यादातर चीज़ों को कवर अप किया है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेट्स बिगन। तो समर सीज़न में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होती है वो है बॉडी ऑडर की, क्योंकि समर सीज़न में होती है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, और स्वेटिंग से होता है बहुत ज़्यादा बदबू। तो अगर आप भी इसको फेस करते हो इस प्रॉब्लम को, तो इसका मैं कुछ सलूशन आपको बताती हूँ। सबसे पहला है, आप कुछ घरेलू चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, जैसे जो नींबू होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप उसका छोटा सा एक टुकड़ा ले लीजिए एंड नहाने से पहले कुछ टाइम के लिए उसको रब कीजिए अपने अंडर आर्म्स पे। ठीक उसी तरह से जो एलम होता है, जो फिटकरी होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप उससे भी पसीने की जो बदबू होती है वो उससे काफ़ी लाभ मिलता है। तो उसको छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए एंड नहाने से पहले उसको कुछ टाइम के लिए रब कीजिए अपने अंडर आर्म्स पे, क्योंकि अंडर आर्म्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम का जड़ होता है। तो अंडर आर्म्स को आप हमेशा क्लीन रखिए, आप शेव कीजिए या फिर वैक्स कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए, बट अंडर आर्म्स को आप हमेशा क्लीन रखिए। तो आप क्योंकि काफ़ी हद तक आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। क्या होता है, खुद की अगर बहुत ज़्यादा बॉडी ऑडर की प्रॉब्लम है तो वो हमें नहीं पता होता है, बट अगर हम किसी के पास गए हैं तो उसको ये चीज़ पता हो जाती है। ठीक उसी तरह से आपने नोटिस की होगी, कुछ ऐसे हमारे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे कुछ होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम होती है उनको, बट हम उनको कह भी नहीं पाते हैं कि आप कुछ करो इसका, बट ये चीज़ आप खुद का ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर आप जो एंटी परस्परेंट जो डिओड्रेंट होता है वो आप यूज़ कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पसीने की बदबू से बचने के लिए परफ्यूम का यूज़ करते हैं, बट परफ्यूम जो होता है वो उतना ज़्यादा असरदार नहीं होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो इस तरह का कुछ जो स्प्रे बॉटल में भी मिलता है, कुछ इस तरह का जो रोल ऑन होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है मुझे लगता है। यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ ये फाका, ये एंटी परस्परेंट, ये रोल ऑन, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा, इसका खुशबू भी काफ़ी अच्छा है एंड ये काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है जो पसीने की बदबू से बचने के लिए। और साथ ही साथ मैं इसको भी यूज़ करती हूँ याडले का ये जो है, तो ये दोनों मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, जो भी गर्मी आते बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, वो है स्किन रैशेस। और स्किन रैशेस गर्मियों के टाइम बहुत ज़्यादा, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और बड़ों में भी। तो स्किन रैशेस के लिए आप क्या कर सकते हो, जो फ्रेश एलोवेरा जेल होता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे, या फिर जहाँ पे भी बॉडी पार्ट में आपको रैशेस हो गए हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप जो मार्केट बेस्ड जो एलोवेरा जेल है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये अर्बन बोटानिक का ये एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, इसको मैंने यूज़ किया है, ये काफ़ी अच्छा है। और आप वाव का ये एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है दोनों। अभी जो अर्बन बोटानिक का ये जो एलोवेरा जेल है, इसमें क्या है, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन भी है, तो काफ़ी टाइम आपको ये फील हो सकता है कि वो थोड़ा चिपचिपा है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए वाव का जो एलोवेरा जेल है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये प्योर जो प्लांट बेस्ड जो एलोवेरा जेल है ठीक उसी तरह फील आता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो या फिर जो सुथोल होता है, ये बोरोलिन का ये सुथोल हम यूज़ करते हैं, जब भी थोड़ा स्किन रैशेस हो गया तो वहाँ पे आप थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए उस जगह को नॉर्मल पानी से, देन आप इस सुथोल का भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी रिलीफ मिलती है, एक ठंडक फील होती है, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, जो भी समर टाइम में बहुत ज़्यादा होती है, वो है ये प्रॉब्लम। अगर आप वर्किंग वूमेन हो, अगर आपने कोई कुर्ती पहना है, कोई ब्लाउज़ पहना है, और इस तरह से वो चीज़ विजिबल हो रही है, पसीने की जो दाग है, तो वो बहुत ख़राब दिखता है। और हम काफ़ी लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि इससे इसका क्या सलूशन है। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह का स्वेट पैड, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। अगर आपने कोई अच्छी साड़ी के साथ आपकी कोई ब्लाउज़ है, जो मैंने और वीडियोज़ में भी कहा है, तो उस ये स्वेट पैड आपकी उस साड़ी का ब्लाउज़ भी बचाएगा, क्योंकि पसीने से हमारे जो कपड़े हैं वो ख़राब भी होते हैं। तो इस स्वेट पैड का आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्वेट पैड जो होता है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, अगर आप डेली ऑफिस जाते हो, वर्किंग वूमेन हो, तो डेली बेसिस पे आपको स्वेट पैड का यूज़ करना, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, अगर ना कर पाओ तो मैं आपको और एक तरीका बताती हूँ। ये जो कॉटन पैड्स होते हैं ना, जो मेकअप रिमूवल जो कॉटन पैड्स होते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत
कम प्राइस में आपको मिल जाता है। एंड इसको आप डबल टैप के हेल्प से या फिर आप इसको जस्ट आप इसको किसी भी जो भी आप ड्रेस पहन रहे हो उसमें आप इसको चिपका दीजिए, तो ये भी आपको लाभ देगा और जो ये जो एक दाग होता है वो नहीं विजिबल होगा। नेक्स्ट जो टिप है वो है सनस्क्रीन लोशन का अप्लाई करना। कुछ साल पहले अगर मैं अपने बात करूँ तो मैं सोचती थी कि सनस्क्रीन लोशन का अप्लाई क्यों करें, क्योंकि हमारी दादी नानी या फिर माँ ये सनस्क्रीन लोशन तो अप्लाई नहीं करती थी तो हम क्यों करें। बट बहुत देर से मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि सनस्क्रीन लोशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स बहुत बड़ा रीज़न होता है सनस्क्रीन लोशन का अप्लाई ना करना। तो अगर आप बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन लोशन इज़ मस्ट। अगर आप सनस्क्रीन लोशन के लिए मुझे जो अच्छा लगता है यूज़ करना वो है आर्थरिदम का ये सनस्क्रीन लोशन जो मैं यूज़ करती हूँ, इसका SPF है 30 एंड जोवीज का ये सनस्क्रीन लोशन। ये दो लोशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें मैट फिनिश है एंड इसका SPF है 40। जब भी बाहर जा रहे हो तो इसको मतलब आदत बना लीजिए, और जब आपको बहुत ज़्यादा अगर आपको पसीना होता है आपको अगर आप फेस को वॉश करते हो तो उसके बाद आप इसको रीअप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार लगा लिया तो बहुत टाइम के लिए आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, आपको इसको रीअप्लाई करना होता है। अगर आप फेस को वॉश कर रहे हो कुछ घंटे के बाद इसका असर कम हो जाता है, तो सनस्क्रीन लोशन। तो नेक्स्ट जो टिप है वो है ऑयली स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन जो होता है वो समर टाइम में और ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन बढ़ जाती है, तो अगर आपकी भी ऑयली स्किन है तो कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं ऑयली जो ऑयल है उसका जो सिक्रेशन है उसको कम करने के लिए। जैसे रोज़ वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर जब भी आप फेस को क्लीन कर रहे हो उसके बाद आप रोज़ वाटर का अप्लाई कीजिए। इसको आप बार बार रिपीट कीजिए, ऐसा नहीं एक बार आपको अप्लाई नहीं करना है। दिन में आप 3-4-5-6 बार आप इसको रोज़ वाटर का अप्लाई कीजिए, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आपको बस उसको ऐसे ही उसको सूखने देना है, नॉर्मल जो नॉर्मल तरीके से उसको सूखने देना है। या फिर आप और एक चीज़ कर सकते हैं, जो आइस क्यूब होता है, आइस क्यूब बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है रोज़ वाटर एंड उसमें आप एलोवेरा जेल मिला सकते हैं एंड उसका आप आइस क्यूब बना लीजिए एंड देन आप उसको अपने फेस पे रब कीजिए अपने फेस पे, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है और ऑयली स्किन वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभ देता है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट टिप है वो है ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम भी गर्मियों के टाइम आप देखोगे और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि तब ऑयल सिक्रेशन स्किन से ज़्यादा होती है, ऊपर से डर्ट भी गर्मियों के टाइम ज़्यादा होती है, तो उसके कारण ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है इस तरह का स्टेप्स आपको मिल जाता है मार्केट में जो बहुत इजीली अवेलेबल है, उसको आपको लेना है एंड उसका आपको आप अप्लाई कर सकते हैं जो बहुत इजी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी, कुछ लोगों का क्या होता है जब आप उसको अप्लाई करते हो तो उसको जब आप रिमूव करते हो तो स्किन पे स्किन रेड हो जाता है काफ़ी टाइम, ये मतलब बहुत हार्म करता है स्किन को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप इसको अप्लाई करोगे सबसे पहले आपको गुनगुना गर्म पानी से जिस भी पार्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे नोज़ पे अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा गर्म पानी से नोज़ को क्लीन कर लीजिए, देन आप इसको अप्लाई कीजिए एंड बार बार इस पर पानी डालते रहिए जब तक कि ना ये पूरा सा स्टिक हो जाए। तो उसके बाद आप इसको निकालिए तो आप देखोगे ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है आपकी अगर ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो इस तरह का स्टेप बहुत ईजिली मिल जाता है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है वो है हेयर केयर, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत बार कहा है बहुत सारे वीडियोज़ में, अगर बाल आपके सुलझे हुए हैं तो आप देखोगे आपकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। बालों का केयर करना तो ज़रूरी है ही, तो हफ्ते में 2 बार आप बालों में शैम्पू ज़रूर कीजिए, विथ कंडीशनर अप्लाई ज़रूर करना है हमें एंड उसके बाद आप सीरम का अप्लाई कीजिए। तो मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अप्लाई करती हूँ ये डव का शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से मैं डव का शैम्पू यूज़ करती आ रही हूँ। अभी क्योंकि जब आप बड़े होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होने लगती है, तो आप तब मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती हूँ, बट मैंने देखी है जो ये डव का जो ये शैम्पू है मेरे बालों पर काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, तो मैं इसका अप्लाई करती हूँ, ये इसका यूज़ कर लेती हूँ विथ डव कंडीशनर एंड उसके बाद मैं सीरम का यूज़ करती हूँ। सीरम के लिए मैं यूज़ करती हूँ लिवॉन का ये सिरम, आप देखो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ये भी सूटेबल है लिवॉन का सिरम। अभी इन सब चीज़ों का अप्लाई करना हमारे बालों पे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप देखो मैंने मेरे बालों में स्मूथनिंग करवाया है, केराटिन करवाया है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया है, तो न जाने क्या क्या करवाया है। कुछ लोग क्या होता है इन सब चीज़ें करने में डरते हैं और ज़ाहिर सी बात है इससे आपके बाल थोड़े ख़राब तो होते ही है, तो
कि आप सिंपल से आप बालों में शैम्पू कीजिए, बालों को क्लीन रखिए, क्योंकि समर टाइम में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी के बालों से ख़राब बदबू आ रही है ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं, आप शैम्पू कीजिए हफ्ते में 2 बार, और जैसे मैंने कहा कंडीशनर लगाइए। इससे क्या होता है, बाल आपके थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा ये मैनेजेबल लगते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाती है। एंड इस तरह से भी आप अपने बालों का भी ख्याल रख सकते हैं। एंड बहुत सारे अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते हो बालों में, तो ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से भी आपके बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। नेक्स्ट टिप है वो है वेयरिंग सनग्लासेस। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सन की जो यूवी रेस होती है वो हमारी स्किन के लिए जितना ख़राब है, ठीक उसी तरह से आपकी आँखों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमेशा सनग्लास आप वेयर कीजिए अगर आप धूप में बाहर जा रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कुछ लोग सोचते हैं कि सनग्लास बस एक फैशन की चीज़ है, और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, कोई अगर सनग्लास पहन रहा है तो उसको लेके मजाक उड़ाते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बस स्टाइल करने की चीज़ नहीं है, सनग्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा जब भी बाहर जा रहे हो तो सनग्लास आप ज़रूर कैरी कीजिए। नेक्स्ट टिप है मेकअप शुड बी मिनिमल, जितना हो सके कम मेकअप कीजिए। समर टाइम में वैसे भी अगर आप बहुत सारा मेकअप करते हो, और स्पेशली अगर दिन पे कहीं पे बाहर जा रहे हो, तो वो ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि वैसे भी वो मेकअप आपका पसीने से ख़राब ही होने वाला है। तो बहुत ही कम मेकअप रखिए, वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, क्योंकि आपने बहुत सारा मेकअप कर लिया, ऊपर से आपने बहुत ही डार्क कलर का लिपस्टिक लगा लिया, वो भी दिन के टाइम, वो बहुत ही ख़राब दिखता है। तो जितना हो सके कम मेकअप कीजिए। ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच मेकअप यू पुट ऑन योर फेस, बट मेरा ये, मैं ये सोचती हूँ कि जितना हो सके हमें कम मेकअप करना चाहिए, स्पेशली दिन के टाइम अगर आप बाहर जा रहे हो तो। मैं सनस्क्रीन लोशन है वो मैं अप्लाई कर लेती हूँ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई कर लेती हूँ, लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ, दैट्स इट। मेरा इतना ही होता है मेकअप दिन के टाइम अगर मैं कहीं पे जा रही हूँ तो, और अच्छा दिखता है। ज़्यादा मेकअप करने से बिल्कुल भी वो उतना अच्छा नहीं दिखता। तो ये था आज का मेरे वीडियो। मैंने बताया आपको कुछ समर टाइम में होने वाले कुछ प्रॉब्लम हैं, उनके कुछ सोल्यूशन। अगर उसके अलावा भी अगर आपके पास तो और कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन आप चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मुझे जितना पता होगा मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट दिन किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।